energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Hey guys, what's up? So my name is Preeti Yadav and right now we are at Gateway of India. आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, बट आज का मकसद गेटवे ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कुछ और है. आज हम जाएंगे एलिफेंटा केव. एलिफेंटा केव अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आने के लिए तो आपका फर्स्ट स्टेप है डेफिनेटली आप अपने स्टेशन टू CSMT का ट्रेन लोगे. जैसे आप CSMT पहुँचोगे बाहर ही जस्ट बस है. अगर आप कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली प्लानिंग कर रहे हो तो आप 6 रुपीस की टिकट लोगे जो गेटवे ऑफ इंडिया ड्रॉप करेगी और बस नंबर है 116. बस से उतरे और बस के जस्ट ऑपोजिट में टिकट काउंटर था तो हमने टिकट लिया एलिफेंटा केव के लिए जिसका कॉस्ट है 225. आप जैसे ही गेटवे ऑफ एंट्री करोगे इंडिया की तरफ तो यहाँ पर भी टिकट सेल होंगे, बट यहाँ पर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा. लाइक लोग अपना सेल करते हैं ना तत्काल टाइप, वैसा ही यहाँ पर 300 या 250 का मिलता है, बट वहीं से लोगे तो 225 का पड़ेगा. तब हम जाएंगे फेरी की तरफ जिसका सफ़र है एलिफेंटा की तरफ तक 1 आवर. तो हम 1 आवर की जर्नी कवर करने वाले हैं. फाइनली हम फेरी में बैठ चुके हैं. फेरी स्टार्ट ही होने वाला है बट हम ऊपर बैठे हैं. नीचे बैठने पर काफ़ी बंद है मतलब, और ये ओपन है. अगर आप ओपन में बैठना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. हम रेजिस्ट कर रहे थे कि ना दे, बट उनकी अपनी एक दादागिरी है कि नहीं आपको देना पड़ेगा. तो अब एंजॉय करेंगे सीनिक व्यू. एलिफेंटा आइलैंड आप देख सकते हो, ये एलिफेंटा आइलैंड है और एलिफेंटा आइलैंड के अंदर ही एलिफेंटा केव है. तो फाइनली वी हैव रिच एलिफेंटा आइलैंड. नाउ इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 1. हम सब इसे एलिफेंटा केव के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली एक ज़माने में इसका नाम था गोरखपुरी जिसका मतलब है सिटी ऑफ केव्स. यहाँ पर बहुत सारे केव्स हैं. और आपको पता है एक्चुअली ये एलिफेंटा केव नाम क्यों पड़ा? जब पोर्चुगीज आए थे इंडिया को रूल करने, जब यहाँ पर उन्होंने अपना बसेरा डाला और तब देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है एलिफेंट का, उनको लगा कि ये एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा है ये एरिया को, तब से इसका नाम पड़ा है एलिफेंटा केव्स. तो अब हम जाएंगे, टॉय ट्रेन यहाँ पर है, देखते हैं कि अगर सीट रहा तो हम टॉय ट्रेन लेंगे, नहीं रहा तो पैदल जाएंगे. ये ब्रिज से आप देख सकते हो ना, ये ब्रिज से हमें उधर जाना है. तो चलिए चलते हैं. हम टॉय ट्रेन से एलिफेंटा केव्स की तरफ आ गए हैं और हमने टॉय ट्रेन लिया था जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज़. बट मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि लोग है ना विदाउट टिकट बैठ रहे थे, कोई चेक नहीं कर रहा था. तो आप टिकट लो या ना लो, आपके वैसे भी 10 रुपीज़ बच जाएंगे. मैं तो सजेस्ट करूँगी ना लो. और पता है ये टॉय ट्रेन है ना माथेरन की टॉय ट्रेन से भी काफ़ी स्लो थी. मैं अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. हमने टिकट लिया एंट्री टिकट एलिफेंटा केव के लिए जिसका कॉस्ट है 5 रुपीज़. और अब हम यहाँ से मेन जर्नी स्टार्ट करेंगे. देखा जाए तो मेन जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एंड तक पहुँचने के लिए 120 सीढ़ियाँ हैं वो चढ़नी है. और पता है यहाँ पर है ना यहाँ के बंदर बहुत ढीठ हैं. मैं अपने लिए जूस ली थी और मैंने चिक्की लिया था, वो लोग ने छीन के लेके चले गए. तो आप है ना प्लीज़ अपना सामान है ना पॉकेट में रखना, वरना ना मेरी तरह आपका आज लॉस हो जाएगा. तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं. अंदर आने से पहले भी आपको टिकट लेना पड़ेगा जिसका कॉस्ट है 40 रुपीज़. मैं वो पिक्चर डाल दूँगी. और आपको पता है जो मैंने फन फैक्ट 1 में बताया था कि एलिफेंट का एक स्कल्पचर है यहाँ पर, एक्चुअली ये यहाँ पर नहीं है, इसे प्रिजर्व करके रखा गया है विक्टोरिया गार्डन जू में. 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया है और ये टाइटल बहुत कम प्लेसेस को मिलता है, इनमें से है एलिफेंटा केव.
तो चलो चलते हैं। आपको पता है कर्नाटका के राजा ने बिल्ड किया था त्रिमूर्ति। वैसे ये 1400 साल पुराना केव है एंड दिस प्लेस वॉज बिल्ट इन 100 ईयर्स। जैसे ही आप केव एंटर करोगे वहाँ पर यू विल फाइंड मोनोलिथिक 25th स्क्वायर ऑफ लॉर्ड शिवा। यू नो द सैड पार्ट इज लॉट्स ऑफ आइडल्स आर डिफेस्ड एंड डिस्ट्रॉयड बट स्टिल नथिंग कैन टेक अवे फ्रॉम आर कल्चर हेरिटेज। सबसे पहला केव विजिट किया जिसे त्रिशिव भी कहा जाता है। त्रिशिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शिव जी के 3 फेस निकले हुए हैं। फर्स्ट फेज है शिव जी, सेकेंड है पार्वती माँ एंड थर्ड है गंगा माँ। आई एम नॉट श्योर बट मुझे देखने से लगा ऐसा। अगर मैं गलत बोल रही तो आप मुझे कॉमेंट में करेक्ट कर सकते हो। और अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था इसलिए मैं बाहर शूट कर रही हूँ, बट मैंने क्लिप्स ऑलरेडी पहले ही कलेक्ट कर लिए थे। तो अब हम जाएंगे आगे के केव एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए चलते हैं। टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 2। लास्ट टाइम मैं कानेरी केव गई थी जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क में है, और आज मैं आई हूँ एलिफेंटा केव जो कि CSMT के एक ये आइलैंड है। अब बात करेंगे मेजर डिफरेंस की। एक लेमिन की नज़र से देखें तो कानेरी केव्स और एलिफेंटा केव्स बिल्कुल सिमिलर हैं। हम लोग जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं हैं हमें सब सेम लगेगा, दोनों एक ही स्टोन में कार्व्ड हैं, दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं और दोनों नेचर के बीच में हैं। बस दो ही स्टार्क डिफरेंस है इन दोनों में। पहला, कानेरी केव्स नेशनल पार्क के अंदर है एंड एलिफेंटा केव एक आइलैंड पे है। दूसरा, कानेरी केव्स बुद्धिस्ट रिलीजन्स को डिवोटेड है एंड एलिफेंटा केव्स हिंदू रिलीजन और स्पेशली लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। यहाँ पर आपको केव्स शिव जी के अलग रूप में दिखेंगे, जैसे कि त्रिशिवा, अर्धनारी शिवा, योग गुरु शिवा। बात आती है फन पैक नंबर 3 की। आप देख रहे हो मैं वापस आज नीचे बैठी हूँ एक स्टोन के, जैसे मैं लास्ट टाइम कानेरी केव में बैठी थी। बट एक्चुअली मेरा मेन रीज़न ये अंदर बैठने का इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने आपको कानेरी केव में बताया था उनके अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो पूरा हीट ले लेता है और इसलिए ये ठंडा हो जाता है, इसलिए मुझे अंदर बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये था हमारा फन पैक नंबर 3। आज हमने टोटल 12 केव एक्सप्लोर किया जिसमें से काफ़ी फेमस 1 और 2 है और काफ़ी ग्रैंड है 1 और 2, काफ़ी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है 1 और 2 में आप क्या देखोगे? यहाँ पर आपको काफ़ी सिक्योरिटी मिलेगी, आप यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, ऐसा आपको चोरी छुपे करना पड़ेगा। अब हम वापसी करेंगे, वही 120 स्टेयर्स, वही टॉय ट्रेन और वही फेरी। और फेरी में जो सुकून है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा था फेरी की जर्नी। तो चलिए चलते हैं अब। ये जो फेरी आपके सामने जा रही है इसे M2M फेरी बोलते हैं। ये मुंबई टू मांडवा के बीच चलती है एंड मांडवा से लोग फिर बाय अलीबाग जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर व्लॉग भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आई होप आपको फेरी राइड अच्छी लगी हो, प्लस सीनिक व्यू और ऑल्सो बर्ड के जो स्लोमो होते हैं वो भी आपको अच्छा लगा हो। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मंडे को मत आना एलिफेंटा केव, क्योंकि बंद होता है तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेकेंडली मैं आपको ब्रजेट प्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ से मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड ऑल्सो गेट वैक्सीनेटेड। हाँ।